बच्चे हो या बड़े, खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। गृहिणी के रूप में आप भी रोज परेशान होती होंगी कि आज क्या बनाकर खिलाया जाए। लेकिन कहा जाता है, जो कुछ नहीं खाते वो भिंडी खाते हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादा सब्जियां नहीं खाते वो भी भिंडी खाना पसंद करते हैं। भिंडी तो प्याज को दुगनी मात्रा में लेकर बनाई जाने वाली डिश है। स्वाद में इस सब्जी के कहने ही क्या। मसालों और प्याज के मिश्रण से भिंडी का स्वाद में मुँह में पानी ले आता है। तो आज हम आपको इसी मसालेदार भिंडी दो प्याजा की रेसिपी बता रहे हैं। आइए जाने कैसे बनती है यह स्वादिष्ट रेसिपी। तो इसके लिए चलना पड़ेगा आपको हमारे डुडुल की रसोई में। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डुडुल की रसोई। और स्वागत करती हूँ आप सबका हमारी रसोई में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज की जो रेसिपी है वो है भिंडी दो प्याजा की, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ इस भिंडी दो प्याजा को। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है, 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। और ये भिंडी करीब है 300 ग्राम, इसे मैंने 2 टुकड़ों में कट करके बीच से चीरा लगा लिया हुआ है। इसे फ्राई कर लेना है, तेल गर्म है हमारा। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। भिंडी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से बचे हुए तेल में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जैसे ये स्प्लैटर होगा इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मीन्स उसको लाल नहीं करना पका के। जब इस तरह वो ट्रांसलूसेंट हो जाए ना, तो इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, ये भी 1 बड़े साइज का टमाटर है, बारीक कटा हुआ। टमाटर को 3-4 मिनट तक पका कर इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 3/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुके हैं, तेल और मसाले अब अलग हो रहे हैं। इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी 1 प्याज, जिसे कि मैंने चौकोर कट किया हुआ है। ये मीडियम साइज का प्याज था। और 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। इस प्याज को भी मैंने करीब 4 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 इन्हें मिक्स करके हमें इसमें ऐड करना है करीब 3 छोटा चम्मच दही, ताजी दही ली हुई है मैंने। मैंने ना यहाँ दही मिलाते वक्त गैस बंद कर लिया था, दिखाना भूल गई। वापस से गैस ऑन करना है और इस दही को भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इसे मैं ढककर 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने जो भिंडी को फ्राई किया है उसे ऐड कर लेंगे। फ्राई भिंडी डालकर भी मैंने वापस से इसे 5 मिनट पका लिया है। अब गैस बंद करेंगे, क्योंकि हमारी ये भिंडी दो प्याजा तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस ये हमारा भिंडी दो प्याजा अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस भिंडी दो प्याजे की सिंपल सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।